हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इनर फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा, हम आज यहां पर सऊदी एयरलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं और सऊदी की फ्लाइट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन सी एयरलाइंस यहां पर सऊदी के लिए टिकट बुकिंग ले रही है। यदि आप यहाँ पर सऊदी अरेबिया के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको यहाँ पर ये जानकारी पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस समय सऊदी के लिए कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं जो कि अपनी फ्लाइट के टिकट की बुकिंग ले रही है। यहाँ पर हम लोग सऊदी एयरलाइंस, सबसे पहले सऊदी एयरलाइंस के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा दूसरी एयरलाइंस कंपनी के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ जाए कि कौन सी एयरलाइंस इस समय सऊदी के लिए बुकिंग ले रही है, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्या आपको यहाँ पर इस फ्लाइट की टिकट की बुकिंग करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमने मुंबई को सेलेक्ट कर लिया है, वन वे ले लिया, और यहाँ पर टू में हम लोग डेट डाल देते हैं, और यहाँ पर हम लोग टू में डाल देते हैं रियाद के लिए। सो लेट सपोज हम लोगों को रियाद जाना है, ठीक है, इसको रियाद सेलेक्ट किया मैंने, इसको वन वे ही रखते हैं, वन ट्रैवलर प्रमोशनल। इसको 30 मार्च की जगह मैं डेट ले लेता हूँ 30 अप्रैल। सबसे पहले हम लोग 30 अप्रैल का देखेंगे। वैसे मैंने पहले ही चेक कर लिया है, यहाँ पर जो बुकिंग है फर्स्ट में से ले रही है सऊदी एयरलाइंस। सबसे पहले मैं आपको 30 अप्रैल का दिखा देता हूँ। सो ये मैंने 30 अप्रैल सेलेक्ट कर लिया है और मैं सीधा गो पे सेलेक्ट करता हूँ। ये कुछ आपसे टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, आप टिक मार करके कंटिन्यू कर लो। सो आप देखोगे यहाँ पर अगले पेज पे यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 30 अप्रैल में कोई भी फ्लाइट नहीं है, लेकिन फर्स्ट मई में यानी कि सैटरडे फर्स्ट मई में आपको फ्लाइट की बुकिंग दिखा रहा है। इसके अलावा संडे में भी है, यानी कि इसके आगे आपको टिकट की बुकिंग दिख रही है। मतलब कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे की डेट में आपको फर्स्ट मई और उसके आगे की आपको बुकिंग दिख रही है। मैंने अभी 7 मई का डेट यहाँ पर सिलेक्ट किया है। 7 मई में आपको यहाँ पर 28,000 रुपये की टिकट की बुकिंग दिखा रहा है जो कि मुंबई से रियाद के लिए है। इसके अलावा एक बार दोबारा भी सर्च करके देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की डेट में जो है आपको लोएस्ट फेयर जो है 28,000 का पड़ रहा है जो कि बॉम्बे से रियाद के लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सऊदी एयरलाइंस की तरफ से जो बुकिंग है वो चालू हो चुकी है फर्स्ट मई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सऊदी एयरलाइंस की तरफ से बुकिंग चालू हो गई है, वो भी 1 मई से चालू हो रही है। लेकिन यहाँ पर आगे बात करेंगे कि आपको ये बुकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि और कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो यहाँ पर अपनी बुकिंग ले रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर सीधे ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पर चल लेते हैं, गो अवीबो ले लेते हैं। सो ये गो अवीबो की वेबसाइट है, यहाँ पर हम लोग चलते हैं गो अवीबो में। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, वही बॉम्बे से रियाद के लिए ही जाना है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर और कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं जो कि अपनी बुकिंग ले रही हैं। सो रियाद सेलेक्ट किया, यहाँ पर वही मैं फर्स्ट में सेलेक्ट करूँगा। ये अप्रैल आपको दिखा रहा है, लेकिन ये अप्रैल में कोई भी बुकिंग नहीं है। यहाँ पर सीधा फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं और सर्च पे क्लिक किया हमने। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि अमीरात एयरलाइंस अपनी बुकिंग दिखा रही है, एयर अरेबिया भी दिखा रही है, इसके अलावा अमीरात और नीचे सऊदी अरेबियन एयरलाइंस कंपनी मतलब सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस भी है। विस्तारा भी आपको दिखा रही है, मतलब यहाँ पर विस्तारा भी है जो कि आपको दिल्ली से दुबई और दुबई मतलब ये आपको वाया लेकर जाएगी। इसमें दो एयरलाइंस कंपनियाँ हैं, विस्तारा और फिर अमीरात। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मई में जो है सभी एयरलाइंस कंपनी यहाँ पर अपनी बुकिंग चालू कर चुकी है। एक बार यहाँ पर जान लेते हैं कि 30 अप्रैल को क्या हालात है। 30 अप्रैल का हम डेट सेलेक्ट किया, मतलब कि एक दिन पहले का डेट लिया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉरी वी कुड नॉट फाइंड एनी फ्लाइट फॉर दिस रूट, मतलब कि 30 अप्रैल को आपको कोई भी फ्लाइट नहीं दिख रही है, लेकिन वहीं यदि आप 1 मई लेते हैं तो 1 मई में आपको जो है फ्लाइट की बुकिंग दिखा रहा है। दोनों के दोनों हम लोगों ने एक ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट भी चेक कर लिया, साथ ही साथ यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस की वेबसाइट भी चेक कर ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं कि क्या आपको ये फ्लाइट की बुकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो अपनी बुकिंग को दिखा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको साफ साफ बता देते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है, ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पर एयरलाइंस कंपनी इस तरीके से अपनी बुकिंग ले रही है। इससे पहले भी एयरलाइंस कंपनी अपनी बुकिंग पर चालू करती हैं, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद अपनी जो है फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल कर देती है और ये बोलती है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है। यहाँ पर भी ठीक ऐसे ही होने वाला है। यदि आप इन फ्लाइट्स की टिकट की बुकिंग करेंगे तो हो सकता है कि आज से 10 या 15 दिन बाद आपकी फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया जो है मई महीने में भी अपनी फ्लाइटों को चालू ना करें।
फ्रेंड्स हम चाहते हैं कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है अपनी फ्लाइटों को चालू करे, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि सऊदी सरकार यहाँ पर क्या डिसीजन लेती है। यदि आप हमारी राय माने तो आप जो है इंतजार करें, जैसे ही आपके पास सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट आ जाता है कि हाँ इस तारीख से जो है सऊदी अरेबिया अपनी फ्लाइट को चालू करेगी, उसके बाद ही आप अपने फ्लाइट की बुकिंग करना। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट आप सभी लोगों के लिए कि आपको टिकट बुक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हमने आपको सही से बताने की कोशिश करी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो काम की लगी है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी यहाँ पर इसके बारे में सही से जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर हमने आपको दो अपडेट दिया, एक तो सऊदी एयरलाइंस के बारे में बताया और दूसरा यहाँ पर हमने गो आईबीबो के वेबसाइट पर जाकर भी आपको दिखा देगी कौन कौन सी एयरलाइंस यहाँ पर बुकिंग लेती हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है लाइक जरूर करें।